खाना भी मिलत है, व्यवस्था अच्छा मिलत है। इनके सरकार में तो सब कुछ मिला। कोई गरीब और कोई आवा जनता या कोई आवा प्रधानमंत्री, कोई 2000 रुपया दिन कब कोई गरीब है कहीं। हाँ, जब उनका देखबे नहीं किन कोई, तब उनका का कही। हाँ, जब उनका कोई देखबे नहीं किन कौन मेयर कहा, अभी हम पहचानते नहीं। मोदी कहा या योगी कहा या अखिलेश कहा, अखिलेश योगी मोदी से मतलब नहीं है। मतलब यह है, जो कोई कह देता है कि हमें राशन मिल रहा, तो राशन सबको थोड़ी मिल रहा। कोई भी भाजपा ने गड़बड़ किया तो कांग्रेस सुधारा ने भी तो ऐसा ही किया। अगर उनको चांस मिला, उनको जो है सुधार करना चाहिए था, कहाँ उन्होंने कुछ किया। नमस्कार, मैं हूँ योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। हम चुनावी माहौल जानने के लिए इस वक्त तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक बाजार में हूँ, जिसका नाम कैसरगंज है और जिसका दूर दूर तक कोई नाता ब्रजभूषण सिंह से नहीं है। ब्रजभूषण सिंह भले ही कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन ये यहाँ का एक स्थानीय बाजार है, जहाँ पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ लोग खड़े हुए हैं। हम इन लोगों से इनका मूड जानने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनके लिए पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या किया, 7 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने क्या किया, और जो पार्टियां इनसे वोट मांगने के लिए आ रही हैं, उनकी गारंटी वर्सेस मोदी की गारंटी में कितना दम है। तो बात करेंगे एक एक करके। क्या नाम है दादा? जयप्रकाश शुक्ला। शुक्ला जी, बताइए किसकी गारंटी में कितना दम, मोदी की गारंटी में दम है या अखिलेश की गारंटी? नहीं, मोदी के गारंटी में। जरा समझाइएगा मुझे। अब केंद्र सरकार से जो जितनी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, वो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे आपको क्या फायदा मिला? अब जैसे किसान सम्मान निधि है, योजना है, उज्ज्वला योजना है महिलाओं के लिए, ये सब उज्ज्वला योजना दे दिया, गैस सिलेंडर 1200 का कर दिया जी, तो असर पड़ा कुछ उज्ज्वला का? बहुत बहुत असर पड़ा, फायदा मिला उज्ज्वला का। हाँ, बिल्कुल, 1200 में गैस भरवाते हैं। हाँ, सब लोगों के लिए हुआ, जैसे कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, चाहे मुस्लिम है चाहे सब वर्गों के लिए काम किया है। हाँ, 2000 दे दिया, खेत में पशु छोड़ दिए। अरे पशु छोड़ दिए, वो छोड़ने थोड़ी आते हैं, वो तो भाई समस्या हम सब लोग ही छोड़ते हैं ना। तो कैसे मोदी सरकार का 10 साल का जो कार्यकाल है, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा देखते हैं, बहुत विकास हुआ है। कोई 5 बड़ी योजनाएं गिनाई है, जैसे आपने एक उज्ज्वला गिनाई, उसकी कमियां मैंने बताई, आपने जैसे वो गिनाया किसान सम्मान निधि, उसकी कमियां मैंने बताई, अब बताइए कैसे 5 बड़ी योजना जैसे डायरेक्ट बेनिफिट मिला हो आप लोग। जैसे देखिए, घर घर जल योजना मतलब चालू है, अभी अभी शुरू नहीं हो पाया है, और सड़क का काम है, जो ये सब काम शुरू किया, सड़क बना, अच्छा बना, ये तो सब लोग मानते हैं कि सड़क अच्छी बनी। आपके गाँव तक जाने वाली सड़क बनी? हाँ, बन गई, देवपुरा से हमारे गांव तक रोड। हाँ, अभी जल्दी में ही पेंटिंग हुआ है। पेंटिंग हुआ है, क्वालिटी कैसी है? अच्छी क्वालिटी है, उजड़ने तो नहीं लगा? चार नहीं, अभी एकदम सही है, अभी बन के तैयार हुआ है जल्दी में। किस योजना के तहत बना है? जैसे प्रधान मतलब विधायक निधि के अंतर्गत, विधायक निधि से बना है, तब तो बढ़िया बना होगा जी, है ना। अच्छा, और बताइए, आप लोग जैसे भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 साल से केंद्र में है, 7 साल से प्रदेश में है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कितना जो है भय का माहौल था, जो वो खत्म हुआ? अब देखिए, जैसे भय मुक्त एकदम, जितना जो है कानून व्यवस्था जो है वो बहुत दुरुस्त है, अब कोई किसी प्रकार का कोई डर भय किसी को नहीं है। अच्छा, जो इनके अतीक वगैरह पे और जो इन लोगों पे कार्रवाई हुई? अरे वो तो कार्रवाई, जो गलत काम करेगा उसके ऊपर कार्रवाई। अच्छा तो मानते हैं, बुरा ये कह रहा हूं पंडित? नहीं नहीं, अच्छा मानते हैं। इसी तरह से तो और लोग हैं, जो धनंजय सिंह हैं, ब्रजभूषण सिंह हैं, इन लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई? अब देखिए, जैसा कार्रवाई सबके ऊपर हो रहा है, ऐसा कोई नहीं है जो कोई भी गलत काम करेगा उसको योगी जी जो है वो करते हैं। मतलब योगी जी की कानून व्यवस्था बढ़िया है, बढ़िया, लेकिन जो है जिसके ऊपर जैसा होता है वैसी कार्रवाई, वैसी कार्रवाई करते हैं। ठीक है, और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा? धर्मेंद्र कुमार मिश्र। पंडित जी, आप भी पंडित जी ही हैं? क्या करते हैं आप? हम खेती किसानी करते हैं। खेती किसानी में मोदी जी का एक वादा था कि 2022 तक सारे किसानों की वो आय को दुगनी कर देंगे, आपकी आय कितनी दुगनी हो गई? आप 50 सन 85 पहले जाइए,
85 नहीं, 2014 के बाद आई है, 85 में कांग्रेस हुआ है। कैसे? जैसे गांव इंदिरा आवास मोदी जी ने दिया। इंदिरा आवास नहीं, खेती की बात करिए, केवल खेती प्रोग्रेस पर चल रहा है। कितना आय आपका बड़ा, मैं ये जानना चाहता हूँ। 2014 में आप जो है अगर गेहूं 2000 का बेचते थे तो क्या आज 5000 का बेचने लगे? हाँ, 25 से 22 में बिक रहा है। जो 1400 में बेचते थे उस टाइम 1400 में बेचते थे गेहूँ, आज बिक रहा 2500। सरकारी रेट? अब सरकारी रेट बिक रहा है यहाँ पर, मुलाजमान है सरकारी रेट छोड़िए, 2190 है वो तो रेट, 2200 हाँ ले रहे हैं, 2200 में ले रहे हैं। अच्छा, किसानी जैसे आप करते हैं, किसानी में कितनी समस्याएं आ रही हैं? अब ये क्या है, बहलक समस्या है, लेकिन वो भी हमारी कमी है, हम लोगों की कमी है। आप हम लोग खुद छोड़ रहे हैं, उनको उसमें उनकी क्या गलती है भाई? नहीं, पहले भी तो छोड़ते रहे होंगे लोग। पहले नहीं छोड़ते हैं, पहले इनकी बिक्री हो रही थी, लोग नहीं छोड़ रहे थे, अब बिक्री नहीं हो रही, छोड़ देते हैं दूध खाकर, गलती हमारी है, दूध खा के छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे हम कई जगहों पे गए तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि किसानी में बड़ी समस्या आ गई है जब से ये छुट्टा जानवर जो है यहाँ। समस्याएं तो है, लेकिन समस्याएं हमारी है, हम खुद समस्या तैयार कर रहे हैं। जैसे हमने गाय लिया, दूध किया, छोड़ दिया, तो हमारी समस्याएं नहीं, समस्याएं हैं। हम जैसे ये हम पाले तो उसको व्यवस्था रखें, अब दूध खा के छोड़ दिया तो समस्या उनकी, थोड़ा हमारी समस्या है जो कुछ है। जी, साकेत मिश्रा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े अधिकारी रहे हैं, बड़े बैंकर रहे हैं, क्या लगता है कि कितना गुल खिला पाएंगे यहाँ? निकल जाएगा उनका सीट, सीट निकली हुई है, यहाँ तक हमारा गैस है, सीट निकली हुई है, हम लोग चलते हैं प्रचार वचार थोड़ा देखते हैं, उनकी सीट निकली हुई है यहाँ से। पहले तो भाजपा के ही दो धड़ों में बड़ा विवाद हो गया कि टिकट क्यों दे दिया बाहरी को। चलो बाहरी तो अब पहली बार थोड़े आए हैं, मजबूर थोड़े बाहरी ही थे, का नाम वो रामसोवर बाहरी ही थे। अच्छा, शिरोमणि से याद है, शिरोमणि ने कितना काम कुछ नहीं किया, परसेंट पैसा भर कामों का दिखाई दे रहा है क्षेत्र का, 5% भी काम नहीं दिखाई दे उनको। अब कोई बता दे कि हमने चेहरा उनका देखा हो, कोई बताइए। राम शिरोमणि का चेहरा आप लोगों ने नहीं देखा? इधर आए नहीं क्षेत्र में, कभी नहीं राम शिरोमणि वर्मा का चेहरा, वो तो कभी नहीं क्षेत्र में, आपने नहीं देखा, किसी ने चेहरे नहीं देखा, चेहरा आज तक नहीं देखा, हम इसका चैलेंज करेंगे तो इसे चेहरा नहीं देखा राम शिरोमणि कैसे है। सोशल मीडिया वगैरह पे तो देखा होगा? अब सोशल मीडिया पे तो बहुत देखा, फोटो तो बहुत देख लिया था, लाख राम शिरोमणि का बस केवल फोटो में दिखाई दिए, फोटो दिखाई दे रहा है। कल फटवा आए थे, कल फटवा में पहली बार देखा, जब इलेक्शन आया, इलेक्शन लड़ने आए तब कल फटवा में मिले। पहले गठबंधन था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की, तब सीट निकल गई, इस बार तो कई पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही है, तब कैसे आप कह रहे हैं कि भाजपा की सीट निकल जाएगी? भाजपा निकले, भाजपा का काम दिख रहा है बस। अब हम यहां से बैठे तो प्रयाग गोरखपुर, और यहां से चले जाए बलरामपुर, अब भाजपा उस सपा के टाइम में क्या स्थिति, रोड यही रोड का स्थिति क्या थी? रोड तो खराब था गुरु, ये तो मैं भी कहूंगा, यही यही ये लाइट लाइट लोग वहाँ बलरामपुर तुलसी ज्यादा देखते कि लाइट है, बिजली है, लड़कियां कहते थे, आज घर घर बिजली जल रही है, ये मोदी की देन है, योगी की देन है। अच्छा, ये बताइए कि जो इतनी बड़ी देन है मोदी योगी की, उससे क्या इस बार सरकार बन जाएगी? हाँ, बन जाएगी सरकार, जहाँ तक हमारा गैस है बन जाएगी, हमारे कई आदमी का गैस है कि सरकार बनेगी, मोदी की सरकार बनेगी, मोदी की सरकार। आपका क्या नाम है? मुंशीलाल। मुंशीलाल भाऊ, क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, महंगाई कितना कमाल कर रही है आपके साथ? महंगाई तो बहुत। किसकी सरकार में बढ़ी? सरकार में किकरे बढ़ी? अब महंगाई कौन चीज है? महंगाई नहीं है, महंगाई का महंगाई है कि नहीं? हमें महंगाई तो है ही है, लेकिन अब महंगाई तो हमेशा है। तब अच्छा, पहले जैसे 200 कमाते रहे हो, अब कितना कमाते? अब 300 कमाई थे। सरसों तेल पहले 70 रुपए में खरीदा था, अब कितने? अब 240 में खरीदा था। 240 कमाते हो, 240 में? हाँ, तो फाइल ही मामा। 300 कमाते हो, 240 में सरसों तेल खरीदा, तो कहाँ बढ़ाना है दाम है, जो बढ़ाए तो वहाँ का करिए। अच्छा, तो मैंने जब 200 रुपए बिना खाए चलाऊं कहाँ? ये बताओ मैं कि जैसे महंगाई बढ़ी तो ऐसे कुछ बजट वजट गड़बड़ हुआ तो है? बजट का है नहीं गड़बड़ भा, तब मैंने तुम मान लिया 9000 रुपए कमाते तो खाएं, अब कई हजार रुपए खर्च करे पड़ते? अब 3000-4000 तो खर्चे बैठ जाते एक आदमी का। एक आदमी का तो, परिवार में कई जने हो? अब परिवार में तो 4-5 जने हैं। तो मोदी जी राशन वगैरह तो दे ही रहे? हाँ, राशन तो देते हैं, अब उनके राज में है, राज ना मिली तब किकरे राज में राज मिली। तो मोदी जी राशन दे रहे हैं, पहले तो तेल भी देते थे, तेल की भी दिक्कत नहीं थी? हाँ, नहीं दिक्कत रहा। हाँ, ये बताइए किसकी सरकार बनवा रहे हैं? अब सरकार इन्हीं की बनी, मोदी सरकार। मोदी सरकार बिल्कुल।
मोदी जी उनके में फायदा है, मैं तब तो उनका बनावा जी। अखिलेश कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ गई तो हम आटा गेहूं की जगह आटा देंगे। अच्छा, वो आटा दे हैं तो हम लोग गेहूँ दे, सभी देखा है। अच्छा, अखिलेश की सरकार बढ़िया थी या योगी की सरकार बढ़िया? योगी का सरकार अच्छा है। कैसे? कैसे, बच्चे का स्कूल में है, पढ़ाई होता है, एडमिशन होते, पैसा नहीं लागत यार। बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉपी किताब तो नहीं है, रखे फ्री में बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे फ्री पढ़ रहे, उसके बाद रुपया उनका मिलत है, खाना भी मिलत है, व्यवस्था अच्छा मिलत है, उनके सरकार में तो सब कुछ मिला। कोई गरीब और कोई आवा जनता या कोई आवा प्रधानमंत्री, कोई 2000 रुपया दिन कब्बो कोई गरीब है कहीं। हाँ, ये बताओ, सांसद जी यहाँ पे 5 साल रहे हैं, राम श्रोमणी वर्मा, वो कभी आए आप लोग यहाँ? यहाँ तो ना आए, कभी ना आए, हम लोग ना देखा। वो है बोरिंग, वहाँ का देखो पानी का व्यवस्था देखा जाए, हमारे पानी के क्षेत्र के वजह से ना ही हमारे गाँव गिरा है। तो पानी तो लग रहा है ना, हर घर जल लागे, वो टंकी खड़ा वैसे खड़ा तो है, अभी पानी कोई घरे नहीं जाते, पाइपलाइन अभी तक नहीं पहुंची, कुछ नहीं पड़ा। नहीं तो ये तो बहुत तेजी से काम चल रहा है इसमें। अरे देखा जाए, सरकार या समन्वय है। हाँ, मतलब ये कह रहे हैं कि पानी की टंकी खड़ी कर दी, पानी नहीं मिला, पानी घरे नहीं मिला था। हाँ, जब टंकी आप लोग नल वल की व्यवस्था होगी, इंडिया मार्केट नल नल है, कुआं है, कुआं से पिया था तब, या बोरिंग सरकारी 4 ठो लागे, कब नहीं खुला, बीमारी फैलने की दिक्कत होती है। हाँ बिल्कुल, अब मच्छर बैठा था, कीड़ा पड़ा था, तो वो मकानों बीमारी नहीं है, वो तो साफ सफाई की बात है। हाँ, अब जैसे कुआं से पानी निकाला गया, मच्छर भी बैठा था, और ये मकानों ये अंदर से आए के टंकी से पानी जाएगा तो वो अच्छा स्वच्छ रहेगा। क्या कह रहे हो तुम, यहाँ क्या नाम है तुम्हारा? कमलेश पासवान। कमलेश क्या कह रहे हो बताओ? सब पानी का टंकी अगर हो गया 2 साल, अभी तक के पानी गांव में पहुंचा ही नहीं है, 2 महीना पानी चला उसके बाद में पानी गया ही नहीं है। तो ये तो नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी योजना है, वो कहते हैं कि हमने हर घर जल से जो है परिवारों पाइप लगा देने से कोई फायदा नहीं है, जब तक पानी नहीं पहुंचेगा हमें पानी नहीं पाएगा तो पाइप लगा उसको क्या मतलब निकलेगा हमको? हाँ, जब पानी पाएगा पिएगा तभी तो कहेगा। इस इलाके में पानी की दिक्कत है, बहुत दिक्कत है सर। आप लोगों के यहाँ इंडिया मार्केट नल वगैरह नहीं लगा है? सर है, लेकिन दूध है ना, अभी क्या है तो वहाँ घर के वह जाएंगे वहाँ पानी भरने। अच्छा, ये समस्या। अच्छा ये बताइए मुझे, आप कितने साल के हैं आप? मैं 21। वोट करेंगे इस बार? जी, किसे वोट करेंगे, क्यों करेंगे उसे वोट? अगर किसी जिसे भी मेरे को फायदा नहीं मिलेगा तो मैं कहेगा क्यों वोट? नहीं, वोट तो करना चाहिए, देखिए वोट करने के लिए वोटिंग। देखो सर, मैं हमें जिताते कि हम लोग को फायदा हो, ठीक है, जो सरकार मेरे को फायदा कुछ देगा ही नहीं तो मेरे को वोट करके मतलब क्या है? आप कहाँ रहते हैं? बेवैया में। काम कहाँ करते हैं? बम्बई में। यहाँ रोजगार नहीं मिला आपको? कुछ नहीं सर, यहाँ रोजगार ही नहीं मिला, कुछ नहीं। अभी यहाँ मिलता तो मैं बम्बई काहे को जाता कमाने? यहाँ गांव में कितने लोग ऐसे होंगे जो यहाँ से बाहर? हमारे गांव में आधे ज्यादा बम्बई रहते हैं, तो यहाँ गांव पे कौन काम करता? जो बिजनेस खोया कोई कर पाता है, बाकी जो ऐसा काम कहीं नहीं मिला तो जाएगा बाहर ही कमाने ना। वहाँ कितना कमा लेते हो आप? वही बात है, 1000 महीने का, उसमें 2-3 हजार खर्चा हो जाता होगा, बाकी 7-8 हजार भेज देते हैं, घर का भी चाहता है। तो वहाँ कैसे रहते हो? हम तो बम्बई रहे हैं, हम तो बहुत महंगा फ्लैट रूम लेके रहते हैं ना सर। हाँ। 3000 रूम भाड़ा देते हैं, पानी खाना पीना सब उसी में। अच्छा, तो ये बात है। और कोई एक महारथी थे हमारे साथ, ये इनसे हम बात करेंगे, बहुत गुस्सा होके आए थे। हमारा नाम तो सुखराम है। सुखराम भाई क्या करते हो आप? हम तो खेती बाड़ी करते हैं। कितने साल से खेती बाड़ी कर रहे हैं? खेती बाड़ी हम कम से कम 16-17 साल से के बाद शुरू किए, हमारे ना बाप जब से इंस्पायर हुआ, हमारा बड़ा भाई इंस्पायर हुआ, तब से खेती बाड़ी में लग गए। खेती बाड़ी में कितना फायदा मिलता है? अरे बस घर का खर्चा चल जाता है, अपना खर्चा चल जाता है बस। मोदी जी कहते थे किसानों की आय वो दुगनी कर देंगे। कुछ नहीं, क्या दुगनी किया, वही 2000 किसान निधि दे दिए, 5 किलो राशन दे दिए, हमने 18 परिवार हैं, 18 परिवार लेके चलते हैं। तो आपको 18 पंचे कितना होता है, उतना किलो राशन मिल रहा है? अरे उतना कहाँ मिलता है, 90 कुछ, उतना कहाँ मिलता है, बच्चे छोटे छोटे हैं, कोटेदार के यहाँ जाओ तो 1 महीना में मिलेगा, 2 महीना मिलवे नहीं करेगा।
ऐसा तो आप लोग शिकायत करिए ना भाई। क्या शिकायत करेंगे, कुछ नहीं शिकायत। हमारे खेती में जितना पैदा करते हैं उतना में खाने भर का हो जाता है, वो भी मिल जाता है तो थोड़ा बढ़ जाता है। बेच लेते हैं थोड़ा सा, कुछ नहीं बेचते हैं। हाँ। कुछ नहीं बेचते। कितने बीघा खेत है आपके पास? हमारे पास 2 बीघा खेत है। दूसरे का मजूरी करते हैं, दूसरे का बटैया जोड़ते हैं, 10-5 बीघा ले लेते हैं। जैसे किसी के पास 100 बीघा है तो उनसे 10 बीघा हम ले लिए, उसी में पैदा करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर पैदा होता है। अच्छा, महंगाई महंगाई का असर है? महंगाई तो बहुत है। दाल 170 रुपया किलो है, रिफाइंड तेल 100 रुपये में है। महंगाई तो बहुत। कौन सा रिफाइंड तेल 100 रुपये में आता है भाई? यही बेस्ट चॉइस। अच्छा, वो पामेलिन ऑयल है, ठीक है, 100 रुपये में वो आता है। 100 रुपये में आता है। सरसों का तेल? सरसों का तेल 200-240 रुपये। 260 का 2 लीटर नहीं आ रहता है, 900 ग्राम रहता है, 1 किलो 900 ग्राम। महंगाई असर डाल रही है आप? बहुत महंगाई असर। किसकी सरकार चुनेंगे इस बार? अभी तो वो ऊपर वाला जाने, हम क्या कहें कि दोन किसकी सरकार। आपको अगर वोट देना होगा तो किसे देंगे? आपको वोट देना होगा तो अभी कुछ नहीं बताया जा सकता है। यहाँ पे जो है 5 साल सांसद रहे राम शिरोमणि वर्मा, क्या वो कभी? राम शिरोमणि वर्मा तो अभी कल मिलके आए हैं हम अटवा बाजार में। ये लोग तो सब कह रहे हैं कि मिले ही नहीं है कभी। नहीं, हमको मिले हैं, कल भाषण में थे, कल मिले हैं, कल हमने फटवा, कल मिले हैं, 5 साल बाद कल मिले हैं। 5 साल बाद कल मिले? कल मिले हैं, और हाथ जोड़ के ऐसे सबको, बच्चा बच्चा से सबको कंधे पे हाथ रखे हैं। तो ये बताइए, 5 साल में आदमी एक बार मिलेगा तो कैसे काम काज होगा भाई? अरे वो तो मालूम है, 5 साल बाद वो तो कुछ नहीं किया। हम जब से जीत के गए, जब तो दोबारा यहाँ पब्लिक बीच में आए। आप लोगों के इलाके में राम शिरोमणि वर्मा ने कोई सड़क बनवा दी हो, कोई बढ़िया लाइट लगवा दी हो, कोई काम किया हो, बताइए आप? उसको इधर आओ। क्या नाम है? महादेव। महादेव चाचा, क्या किया राम शिरोमणि वर्मा? का केहन हमारे का केहन, उनका देखबे ना केहन है, कौन मेयर खाए पहाड़ में तोरे इलाके में घर घर पानी। जब उनका देखबे ना किन कोई, तब उनका का केहन। हाँ, जब उनका कोई देखबे ना किन कौन मेयर का है, अभी हम पहचानते ना है। राम शिरोमणि वर्मा तो वोट मांग रहे हो, आप कह रहे हैं देखा ही? जब वोट मांग रहे हैं, कहाँ वोट मांगा था, हमरे बेलभरिया आया है, वोट मांगा है। तो कौन से सांसद आते थे? कोई सांसद ना आओ था यहाँ, कौन सा विधायक आते हैं आप लोगों के? कहाँ रोड बनवाए हैं? रोड कैलाशनाथ शुक्ला बनवाए। तो विधायक जी आते हैं? हाँ, विधायक जी आवत है। विधायक जी तो काम करवाते हैं? हाँ, विधायक जी काम करवाए। तो काहे नाराज रहते हैं आप? नाराज जब उनका दर्शन ना मिले, उनका देखबे ना करी, तब उनसे नाराज ना रही कोई। अच्छा, ये बताओ, इंडिया गठबंधन, सपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी सब मिलके लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी जो है अकेले लड़ रहे हैं, किसकी गारंटी पक्की है? नरेंद्र मोदी की गारंटी पक्की है, और क्या पक्की है? नरेंद्र मोदी की गारंटी पक्की है। नरेंद्र मोदी को वोट देने का मतलब है वो जो कहेंगे वो करेंगे? करेंगे। नरेंद्र मोदी जो कहेंगे वो करेंगे? इधर इधर देखिए, तो क्या लगता है आपने जो उन्होंने किया कहा वो आज तक किया? अरे किन का है नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? अरे हमारे तो 2 लड़के हैं। दोनों लड़के नौकरी पा गए होंगे? ना, अभी पढ़ा था। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? बरहम पढ़ रहे हैं। नौकरी मिल जाएगी उनको? अब कहा पता है, कोई जानता है? बड़े बड़े यहाँ पढ़े, नौकरी नहीं पाता। नहीं, जैसे सरकार, मोदी सरकार ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, आप लोग देखते होंगे, मिला किसी गांव गड़ी में आपके? नौकरी क्या क्या मिली है यहाँ? देहात नौकरी क्या मिली? सबसे पिछड़ा क्षेत्र बलरामपुर। देहात में क्या नौकरी मिली? 2 करोड़ नौकरी वाला वादा झूठा हो गया मोदी जी का? आप क्या जाने झूठा हो या सही हो जाए, लेकिन देहात में है कोई नौकरी मिली? क्या कह रहे हो, झूठा है मोदी जी का? बिल्कुल झूठा है। अब देहात में किसी को भी नौकरी नहीं मिला आप इधर? आप लोग तो प्राइवेट जॉब भी करते हैं तो बम्बई जाते हैं, ये आप बता जी। चाचा कितने लड़के भाई? तो 2। क्या करते भाई? सब परदेश रहा थे, और क्या करते बताएंगे अपना? क्या बता रहे हैं बताइए? सब समस्या, सब परेशानियां हैं। क्या परेशानी हो गई? अरे सब कुछ, पानी की परेशानी है, गरीब लोगों को भोजन परेशानी है। अरे 5 किलो राशन मिल रहा है? 5 किलो राशन मिल रहा है? 5 किलो राशन तो 2 दिन का हुआ। अरे कितना आदमी खाएगा? 2 दिन का हुआ, सबको राशन थोड़ी मिल रहा है। हाँ, क्यों? मोदी जी ने तो कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो फिर हम अगले। अरे मोदी कहाँ या जोगी कहाँ या अखिलेश कहाँ? अखिलेश जोगी मोदी से मतलब नहीं है। मतलब यह है, जो कोई कह देता है कि हमें राशन मिल रहा, तो राशन सबको थोड़ी मिल रहा।
सबको नहीं मिल रहा है, सबको नहीं मिल रहा है। अब जिसको नहीं मिल रहा है वो क्या खाए? वो खेती किसानी करता है। देते हैं कि तुम इस पात्र से बाहर हो, अब ये बताइए आप कि वो उस पात्र से बाहर हम क्यों हैं? क्या चीज हमारे पास है कि हम भाई पर उस पात्र से बाहर हो गए? आप बड़े दुखी लगते हैं, आपको बाहर कर दिया है क्या? नहीं सुनिए, बाहर हमको क्या कर देंगे, हम अपना स्वयं कमा खा लेते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। बसरते पार्टी की बात आप ना कीजिए, पार्टी तो अमन बहुत से लोग हैं, हम किस पार्टी की बात करते हैं? हम यहाँ अपने आपस में दुश्मनी कर ले, हम कह रहे हैं इसमें कोई नहीं। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं पहले बात सुनिए। यहाँ कोई वर्मा है, वो वर्मा पक्ष लेते हैं। अरे भाई वर्मा, यहाँ पे वर्मा और यादव कहाँ से आ गए? नहीं सुनिए, कोई यादव है वो उसका पक्ष लेंगे, हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हमारे लिए सब नेता बढ़िया है, कोई नेता खराब नहीं है, खराब तो हम लोग हैं जो कैसे, हम सुन नहीं पाते। कैसे आप लोग खराब हैं? खराब हैं कि हम नेता आपने पांच साल के लिए सांसद चुना, राम नहीं सुनिए, हम किसको माने? जब से देश आजाद हुआ तब से बहुत से नेता आए और सब नेता वही किए जो आज हम जहाँ के तहाँ हैं। हम किस नेता को माने कि कौन नेता हमको सिंहासन बैठाएगा? मतलब स्थिति नहीं बदली जो बदलनी चाहिए थी, आपके कहने का मतलब ये है? बिल्कुल नहीं बदला भाई, कोई भी नेता आए हम तब से जहाँ के तहाँ हैं। अब अगर कोई बढ़ रहा है तो आपने परिश्रम से बढ़ रहा है। अगर कोई बताओ कि हम नेता के माध्यम से बढ़ गए हैं? नहीं, मोदी जी तो कहते हैं हमने तमाम चीजें कर दी जिससे आम आदमी की जिंदगी आसान हुई। सुनिए सुनिए, आम आदमी की जिंदगी आसान हुई है। आम आदमी की जिंदगी आसान करने के लिए तो सरकार बनाई जाती है, और सरकार एक पार्टी की होगी, एक व्यक्ति की होगी। वो सरकार व्यक्ति का है लेकिन सरकार तो आपने देखता है, हम गरीबों का कौन देखता है? कोई नहीं देखता है। मतलब सरकार अपने लिए काम करती है, गरीबों के लिए नहीं? आप वो दुनिया के लिए करें, इससे हमसे मतलब नहीं है। मतलब तो हम यह अपने क्षेत्र में देख रहे हैं कि जब किसी का कोई भला नहीं हुआ तो हम क्या माने कि किस पार्टी से भला होगा? ये पार्टी की बात नहीं है, जब मैं तो सबकी बात से आज तक की बात है, चाहे जो भी नेता हुए, नेता अपना देखते हैं। अच्छा ये बताइए, मुझे ये बताइए, उधर हो जाइए, मुझे ये कोई नहीं देखता। मुझे ये बताइए, आप थोड़ा नाराज नजर आते हैं, कितना अखिलेश के गवर्नमेंट में काम हुआ आप लोग बताते हैं और कितना इनके गवर्नमेंट में काम हुआ? देखो काम की बात नहीं है, हम किसी पार्टी से नाराज नहीं है, हमें सब पार्टी से खुशी है। आप सिस्टम से नाराज हैं? हम खाली सिस्टम से नाराज हैं कि जैसे आप पत्रकार हैं, बुरा मत मानिएगा, आप पत्रकार हैं, आपका काम है कि सूचना पहुंचाना, लेकिन आप उस सूचना को नहीं भेज रहे हैं, आप बताइए क्या करें? अरे भाई हम लोग तो भेज ही रहे हैं। नहीं सुनिए, अगर आप भेजते हैं तो हमें उसका कोई रीजन नहीं मिल रहा है, क्या माने कि क्या भेजा गया? अरे क्यों नहीं मिलता है? कागज हम दे रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, और उस एप्लीकेशन को मेज पर रखने के बजाय, अधिकारी के सामने रखने के बजाय वो कूड़ेदान में पड़ता है, तो हम क्या माने कि हमारा सूचना कहीं पहुंचता है? मतलब सिस्टम खराब हो गया है तमाम चीजों को लेके, ठीक है। सरकारी कर्मचारी कुछ नहीं बोलेंगे। कौन से अधिकारी है आप? कर्मचारी सरकारी कुछ नहीं बोलेंगे। सरकारी कर्मचारी कौन से? शिक्षा, शिक्षा विभाग। तो शिक्षा विभाग में है, आप वोट तो देंगे ना? वोट तो देंगे। वोट किन मुद्दों पर देंगे इस बार आप लोग? हमारा कोई मुद्दा नहीं है। आपका कोई मुद्दा नहीं है? नौकरी करना आसान हुआ, कठिन हुआ? हमारे लिए पूरा लेवल समान है, सब एक समान है, कोई दिक्कत नहीं। क्या करते हैं आप? अध्यापक है जी। किस विद्यालय में? प्राथमिक कम्पोजिट विद्यालय गोलीगंज। कम्पोजिट विद्यालय गोलीगंज, यही पढ़ता है इसी इलाके में जी। स्कूल वगैरह बढ़िया बन गया है, आप जाते हैं रोज? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सरकार चुनने की बारी आई है, पांच साल बाद जो है ओपीएस की बात की जा रही है, वन रैंक वन पेंशन वाली बात जो सेना में लागू हो रही थी, और जो पुरानी पेंशन योजना है उसके ना मिल पाने के कारण कितना दुख है। उसको तो कांग्रेस ने ही बंद किया था ना? नहीं, उसको तो अटल बिहारी वाजपेयी ने, भाजपा ने बंद किया था, मगर कांग्रेस को 10 साल मौका मिला, उसने कहां दिया? उसको देना चाहिए था, क्यों नहीं सुधार किया उन्होंने कांग्रेस? तो कांग्रेस तो आप कह रही है कि हम पेंशन देंगे? अरे कह तो रही है, मगर करता कहां कोई? कहते तो बहुत कुछ है कांग्रेस, मोदी जी ने तो कभी कहा भी नहीं ना। भाजपा ने बंद किया, मगर कांग्रेस ने दिया कहाँ? 10 साल उनको चांस मिला जो है, कहाँ उन्होंने दिया? आप लोग जैसे आपको कितने साल नौकरी करते हुए? अरे हमें तो 20 साल हो गया। 20 साल हो गया, अब मतलब आपकी जिंदगी में 20 साल और बचे होंगे नौकरी के? हाँ 20-22 साल बचे और बचे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा प्रिंसिपल हो जाएंगे? अब जो भी हो जाए, भविष्य में कोई जानता है क्या हो जाएगा। प्रिंसिपल हो जाएंगे, प्रिंसिपल होकर रिटायर होंगे, फिर भविष्य का क्या होगा? आप मान लिया आगे भी 30 साल जिंदा रहें, 20 साल जिंदा रहें, 10 साल जिंदा रहें, आपके दवाई का पैसा लगे, खाने का पैसा लगे, वो सब कैसे मिलेगा?
कोई भी भाजपा ने गड़बड़ किया तो कांग्रेस सुधारा कहाँ, उसने भी तो ऐसा ही किया। दरअसल उनको चांस मिला, उनको जो है सुधार करना चाहिए था ना, कहाँ उन्होंने कुछ किया। दुख है दोनों पार्टियों से, हम समान में कोई किसी से दुखी नहीं है, दुखी नहीं है। चलिए ये कम बोलना चाहते हैं, आपका क्या नाम है? दिनेश चौधरी। दिनेश भाई बताइए किसकी हवा चल रही है? सबके ठीक है चल रहे हैं। किसकी गारंटी पक्की मानते हैं, मोदी की, योगी की और अखिलेश की, किसकी गारंटी पक्की? मोदी की गारंटी। कैसे पक्की आप मुझे समझाइए जरा। पक्की बढ़िया है और क्या, सही। कैसे पक्की है यही तो मैं जानना चाहता हूँ, उन्होंने क्या कहा, क्या कर दिया ऐसा जिससे जो है आप कहते हैं कि उनकी गारंटी पक्की है? नहीं, सिस्टम सही है और क्या। जैसे उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने के लिए कहा था, आपकी उम्र हमें लग रहा है 30 साल से होगी, 30 साल से नीचे ही होगी, कितने साल है? 30-35। 35 साल, मतलब 30-35 के बीच में है, ठीक है। आपको रोजगार कहीं मिला? किसानी कर रहे हैं। किसानी कर रहे हैं तो आय आपकी दुगनी हो गई होगी ना? अपन काम भर खावा जाता जिया जाता, सही है ना। यूरिया पहले कितना खरीदते हैं? यूरिया पहले 250-300 में, अब कितना खरीदते हैं? 350। कई किलो यूरिया मिलता है? 45। पहले क्या रुपए कितना मिलता था? 50। महंगाई बढ़ी? महंगाई भी तो पैसा भी तो बढ़ गया। किस में पैसा बढ़ गया? 230 नरेगा भी तो है। 230 नरेगा का मिलता है? हाँ, 239। हाँ, अब तो मजदूरी जो करता है वो कहता है कि हमारे यहाँ आप ही के सामने, आप ही के गांव के लोग कह रहे थे कि मजदूरी करते हैं, खाने का नहीं होता है। नहीं, जैसे खाने चाहो तो 1 लाख हो तो भी खा जाओ दिन में, और समस्या है कि जब 100 रुपए में काम चला सकते हो, ना चलाओ तो 2-4 लाख रुपया खर्च कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बात गोल गोल घुमाना बहुत जानते हैं। नहीं, गोल गोल नहीं घुमाते हैं, सरकार सही सब है, बिल्कुल क्या है, जिससे सरकार बन जाए वही ठीक है। तो इस बार किसकी गारंटी पर वोट करेंगे? जो जनता चाहे वह सबसे हुए। नहीं, आपका जैसे क्या मन है? मोदी सही है और क्या, योगी जी सही है। मोदी सही है, योगी सही है। हाँ, योगी के शासन काल से आप लोग खुश हैं? और सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे खुश हैं बताइए, क्या कर दिया योगी आदित्यनाथ ने आप लोगों के लिए? अब रोड बढ़िया बन गया, लाइट बढ़िया है, पानी थोड़ा समस्या है, जो पानी टंकी लग गया थोड़ा वायर खराब हो गया तो कोई काम नहीं। पानी टंकी लगा है वो तो अभी पानी आएगा ना भाई? वो तो जैसे जो है अभी बन रहा होगा तो वो आएगा। थोड़ा खराब हो भी बन जाएगा, रिपेयर के लिए अप्लाई किए हैं सब लोग, रिपेयर के लिए अप्लाई किए हैं। सुनवाई होती है? सुनवाई होगा, बढ़िया सुनवाई होती है। हाँ, सुनवाई दिक्कत नहीं है। तो ये इन लोगों की राय है कि मोदी की गारंटी पक्की है, मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन जब वोट करेंगे तो किसके पक्ष में वोट करेंगे ये नतीजे आपको 4 जून को पता चलेंगे। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए।